आज के डेट में चाहे आप मारुति ले रहे हो, चाहे महिंद्रा, चाहे मर्सिडीज, ये चीज़ लगवानी सबसे ज़रूरी है। फ्रंट में कहीं भी 12 वोल्ट का सॉकेट महिंद्रा ने नहीं दिया है। कोई फ्रंट टायर की हवा कैसे भरे, तो उसका भी हमने इलाज किया है, और वो इलाज क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इसकी सारी मिट्टी पता नहीं बूट पे ही क्यों आती है। तो रेडी है सोल्यूशन देखने के लिए? वेल हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जब आप कुछ दिन गाड़ी को चला लेते हो तब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको निकल के सामने आते हैं जो एक ओनर ही बता सकता है। तो ऐसे 5 प्रॉब्लम्स मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं इस गाड़ी में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कार, खूबियाँ गिनाने जाऊँगा तो शाम हो जाएगी। बहुत प्यारी गाड़ी है, चलाने में बहुत मज़ा आता है। छोटी मोटी कमियाँ तो भाई दुनिया की सबसे महंगी कार में भी आपको मिलेंगी, तो उनको दूर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। और जो जो एक्सेसरीज उनको दूर करने के लिए हमने लगाई हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ड्राइविंग सीट का व्यू देखो, और कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आता है। आई एम श्योर आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, बट एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और उसके लिए हमें रियर व्यू मिरर के पीछे जाना पड़ेगा, और वो है ये। मैंने इसमें सबसे पहली चीज़ जो इंस्टॉल की है वो है डैश कैम, जो कि आज के डेट में चाहे आप मारुति ले रहे हो, चाहे महिंद्रा, चाहे मर्सिडीज़, ये चीज़ लगवानी सबसे ज़रूरी है। बिकॉज सड़क पे जो जो हादसे हो रहे हैं, आपका बड़ी गाड़ी का फॉल्ट हमेशा निकाल देते हैं, या कई बार आपको कोई गलत कारण से रोक लेता है चालान काटने के लिए, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती। तो ये चीज़ के लिए डैश कैम लगवाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो मॉडल लगवाया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मैंने उतार लिया, ये है डीडी पाई का मोला N3 मॉडल। और ये जो अभी आप देख रहे हो कि मैंने इसको कैसे डिटैच किया है, मैंने इसी वजह से ये लिया है कि अगर आपके पास मल्टीपल कार्स हैं, सपोज़ आपके पास 2 गाड़ियां हैं और मोस्टली एक ही चलती है उसमें से, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि इसको आप एक गाड़ी में से निकाल के दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा बेस खरीदना पड़ता है, इसका जो माउंट होता है वो एक एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, और आपको गाड़ी में स्विच कर सकते हो 2 गाड़ियों में। अब इसको वापस लगा देते हैं, एंड इट इज़ एज ईजी एज दिस। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इन्फोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, टच स्क्रीन का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, इवन स्पीकर्स का आउटपुट भी अच्छा है, आपको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है इसके एलेक्सा के अंदर, जिसको आप 10 बार बुलाओगे तो शायद 10 में से 2 या 3 बार ही रिस्पॉन्स करेगी। सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये आज इसको पता था ना इसकी बुराई होने वाली है, तो आज चल गई है, बट मोस्टली 10 में से सिर्फ 3 बार ही चलती है। एक और नेगेटिव पॉइंट है इस इन्फोटेनमेंट सिस्टम का, वो है इसमें नेविगेशन। अब नेविगेशन इसमें बिल्ट इन तो दे रखी है, बट डेस्टिनेशन इसमें बहुत लिमिटेड मिलती हैं आपको। गूगल मैप में आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, आप उसका प्लेस का नाम डाल दोगे तो वो आ जाएगी, बट यहाँ पे सारी प्लेसेस नहीं मिलती हैं। तो गूगल मैप्स आपको बहुत बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। गूगल मैप्स चलाने के लिए चाहिए एंड्रॉयड ऑटो, और वो इसमें काम करता नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स, नेविगेशन की भी और एलेक्सा की भी, देखा अब नहीं चली ये 10 में से 3 बार ही चलती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप फ़ोन तो यूज़ कर सकते हो अपना, बट मोबाइल होल्डर की प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम कोई विंडस्क्रीन पे मोबाइल होल्डर लगाते हैं, जैसे कोई कुछ ऐसा, तो आप देख सकते हो कितना विजिबल एरिया आपका कम हो जाता है विंडस्क्रीन पे, और ड्राइविंग में आपको इशू आ सकते हैं। तो हम ये ना यूज़ करके हम यूज़ करने वाले हैं, ये एक मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर है जो कि रोटेटेबल भी है। इसको आप टिल्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, और इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड दोनों कर सकते हो। और इसकी पोजीशनिंग मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों इंस्टॉल करना चाहिए किसी और लोकेशन के अलावा, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपने फ़ोन को इस पे माउंट कर दिया, और यहाँ पे माउंट करने के बाद मैंने पोजीशनिंग ऐसे की है कि जो फ़ोन का बेस है वो इन्फोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर टच कर जाता है, उसको सपोर्ट मिल जाती है नीचे से, तो झटके वगैरह आने पर भी ये हिलता नहीं है और सिक्योरली यहाँ पर माउंट रहता है। और दूसरा फायदा इस लोकेशन का ये है कि आपका चार्जिंग पोर्ट भी एक्सपोज रहता है, तो यहाँ पे आप चार्जिंग केबल भी अपनी लगा सकते हो। अब मेरा फोन चार्ज भी यहाँ पे हो रहा है। अगली कमी पे आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इस गाड़ी की सबसे बड़ी कमी है, कि फ्रंट में कहीं भी 12 वोल्ट का सॉकेट महिंद्रा ने नहीं दिया है। इन्होंने 12 वोल्ट का सॉकेट दे दिया डिग्गी में, अब वहां से कोई फ्रंट टायर की हवा कैसे भरे, आगे देना बहुत ज़रूरी था। क्यों महिंद्रा ने नहीं दिया ये तो वही बता सकती है, बट इसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर देने वाला हूँ इस वीडियो में।
अब सिर्फ एक ही 12 वोल्ट का सॉकेट है पूरी गाड़ी में, और उसको अब हमने कनेक्ट किया है अपने टायर इन्फ्लेटर से जो कि मैंने इस गाड़ी के लिए खरीदा है। मुझे बिल्ड क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी लगी थी। इनफैक्ट इसमें एमरजेंसी के लिए ये लाइट्स भी बिल्ट इन है, ये फ्लैशर भी है और वार्निंग लाइट्स भी हैं, तो अच्छी चीज़ लगी थी। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऑटो कट ऑफ वगैरह सब कुछ है, और सारी चीज़ें इसकी, ये पाइप भी, ये वायर भी, ये सब कुछ इसके अंदर ही स्टोर हो जाता है, तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा सिस्टम बन जाता है। वायर की लेंथ इसमें भी 3 मीटर आती है, तो पिछले टायर तक तो ये आराम से पहुंच जाता है, बट आगे तक पहुंचना इसका मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये वायर मैंने स्पेशल बनवाई है जो कि बैटरी से कनेक्ट होकर डायरेक्टली, इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट लगा हुआ है, तो आप बैटरी से डायरेक्ट पावर लेके अपने टायर इन्फ्लेटर को यूज़ कर सकते हो। तो चलो आपको लगा के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमने सिस्टम बनाया है, जस्ट मैंने इसको एक्सटेंशन एक बना दी है 12 वोल्ट सॉकेट की, जो कि मैंने बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट की हुई है। पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और माइनस टर्मिनल वो रहा, और ये भर दिए इसने, ऑटो कट ऑफ हो गया, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और जो हमने वायर बनाई है उसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब है ही। तो अगर आप अमेज़ॉन से परचेज़ करना चाहते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, बट वो सिर्फ 1 फुट की केबल मिलेगी आपको। ये कस्टम मेड केबल है जो कि 3 मीटर की लेंथ में है, यानी तकरीबन 10 फुट, तो 3 मीटर इस केबल के और 3 मीटर टायर इन्फ्लेटर के, तो टोटल आपको तकरीबन 20 फुट की लेंथ मिल जाती है, और आप किसी भी टायर में हवा भर सकते हो, वो भी बिना स्विच लगाए। आपको गाड़ी का स्विच ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम डायरेक्टली बैटरी से ही पावर ले रहे हैं। तो ऐसी कस्टम केबल अगर आपको चाहिए जो 3 मीटर लंबी हो, तो आप किसी मैकेनिक से बनवा सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मेरा ID डिस्क्रिप्शन में। अगली कमी निकल के आती है जो कि है इसकी बूट के ऊपर। डिज़ाइन इसका पता नहीं कैसे किया गया है कि सारी मिट्टी उठा के ये बूट के ऊपर ही डाल देता है। सारी गाड़ी बाकी आपको साफ लगेगी, लेकिन बूट के ऊपर मिट्टी आपको साफ चमकती हुई दिखेगी। अब ये साइड से देखो आपको गाड़ी दिखेगी साफ, बट बूट पे आके ये देख रहे हो कितनी मिट्टी दिखेगी आपको। इसकी सारी मिट्टी पता नहीं बूट पे ही क्यों आती है। तो इसके लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ मिली है वो है ये जोपासू का एक ब्रश है, डस्टर कह लो, ब्रश कह लो, और ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। मैंने एक दो और भी मंगवा के देखे थे, बट उनकी क्लीनिंग अच्छी नहीं थी, बट इसकी क्लीनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। अब आप, मुझे पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, बट ये मिट्टी दिख रही है, और ये एक स्वाइप मारे पे बिल्कुल साफ़ कर देता है ये। तो क्लीनिंग बहुत प्यारी है इसकी, अगर आप अपने कार से प्यार करते हो तो ऐसा ब्रश लेके ज़रूर रखो। अब लास्ट कमी के ऊपर आते हैं जो कि है इसकी थर्ड रो। अब इसकी थर्ड रो में इतनी स्पेस है नहीं, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, और ना ही उनमें एयर वेंट्स हैं कि आपको हवा प्रॉपर आएगी, और ना जगह प्रॉपर है एडल्ट के बैठने के लिए। तो उसका भी हमने इलाज किया है, और वो इलाज क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। तो रेडी है सॉल्यूशन देखने के लिए? चलो जी। जी हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमने थर्ड रो ही निकलवा दी है। अब ये गाड़ी बन चुकी है 5 सीटर, बूट स्पेस हो चुका है अपरंपार, जो मर्जी रखो इसमें। ये मैंने कूलर परचेज़ किया था, आइस बॉक्स परचेज़ किया था, गाड़ी लिए घूमने जाना है, कुछ ठंडी चीज़ें भी साथ में लेके जानी पड़ती हैं, समझ सकते हो ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या कह रहा हूँ। तो ये आइस बॉक्स निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी स्पेस हो जाती है। आप देख सकते हो जितना मर्जी आप सामान रख सकते हो इसके अंदर। अब आप, ये है उसके वो माउंट जहाँ पे इसकी थर्ड रो माउंट थी, ये 2 बोल्ट यहाँ से खुलते हैं और 2 बोल्ट इधर से खुलते हैं। 11 नंबर की गोटी लगती है, खोलना 2 मिनट का काम है। तो अगर आपको 7 सीट दोबारा इंस्टॉल भी करनी है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले, 5 मिनट में आप इंस्टॉल करके इसको वापस 7 सीटर भी बना सकते हो। तो अब तक जो चेंजेस कराए थे आपको दिखाए हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चेंजेस अच्छे लगे होंगे, और जो मॉडिफिकेशंस करवाएंगे और अपग्रेड्स करवाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दिस इज़ रमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।